वाला वर्जन है। हाँ आपके रूम में तो कब्जा मैंने किया था ना। क्वेश्चन है फाइंड -4/5 -3/7 -15/16 -14/9 plus 8। अभी क्वेश्चन है राइट क्वेश्चन क्या है -4/5 -3/7 -15/16 -14/9। मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो सॉल्व कैसे करेंगे ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है रेशनल नंबर का है तो चैप्टर कौन सा है क्वेश्चन का रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करना है इसमें फोर टाइप प्रॉपर्टीज क्या क्या है क्लोजर लॉ क्लोजर कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी राइट। अब इसको एग्जाम्पल कर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को देख रहे हैं तो कौन सा ऑपरेशन कौन है ऑपरेटर कौन क्या है यहाँ पे इसमें तो ऑपरेटर क्या है ठीक है मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेटर क्या है मल्टीप्लिकेशन। अब यह तो एक तरीका क्या है इसमें क्या हम इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं ईज करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो ये देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म में एक रिलेशन है राइट क्या रिलेशन है 5 और 15 का और इस टर्म में इस टर्म रिलेशन क्या है 7 और 14 का ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको और इसको ग्रुप कर देते हैं। हाँ। ग्रुपिंग करेंगे तो क्या कौन सा यूज हो जाएगा एसोसिएटिविटी राइट जहां ग्रुपिंग करेंगे और मूव करेंगे तो कम्यूटेटिव तो बाय कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ठीक है क्या कर सकते हैं इसको करते हैं तो यहाँ रहने देते हैं इसको मूव कर रहे हैं लोग और इसको इधर मूव कर रहे हैं ठीक है 4/5 -15/16 3/7 -14/9 राइट ठीक है। और हमें पता है कि फॉर रेशनल नंबर कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिव रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए होल्ड करता है ठीक है मल्टीप्लीकेशन के लिए होल्ड करता है तो हम इसको मूव कर भी कर सकते हैं अगर मल्टीप्लीकेशन है टर्म है तो उसको हम मूव भी कर सकते हैं और ग्रुपिंग भी कर सकते हैं एज पर लॉ क्लियर। तो हम लिख रहे हैं क्या कर रहे हैं बाय कम्यूटेटिविटी मूविंग के लिए और एसोसिएटिविटी फॉर ग्रुपिंग के लिए। अब ये ग्रुप हो गया सॉल्व कर सकते हैं 5 3 7 2 4 कितना हो गया 4 4 16 3 3 और ये -1 बचा इधर ये तो गया -3/4 -2 बटे और ये 3 3 भी कट जाएगा 2 2 जा -1 प्लस आसान है। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज अगर यूज नहीं करें तो क्या कर सकते हैं डायरेक्ट भी काट सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं एडिशन में क्या होता है कि हमें फ्रैक्शन में क्या है जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना पड़ता है ठीक है। इस तरह से आपका कौन सा यूज हुआ हमने प्रॉपर्टीज का कम्यूटेटिविटी एंड
एसोसिएटिव, ये लिखना जरूरी है, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो दोनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गया है कि जब हम मूव करते हैं तो क्या करते हैं, कम्यूटेटिव, कम्यूट, कम्यूट कर रहा है, कम्यूट मतलब क्या होता है, कम्यूटेस्ट, कम्यूट, कम्यूट का मतलब ये होता है कि इधर से उधर जाना, और एसोसिएट मतलब ग्रुपिंग, ठीक है। इसके वर्ड में मीनिंग है, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, चार प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, कोई चीज है उसको दो लोगों में या तीन लोगों में बांटेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन में बांटेंगे, या सब मल्टीप्लीकेशन को सब स्ट्रक्चर में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। उसमें हमें दो चीज चाहिए, दो ऑपरेटर चाहिए, मल्टीप्लीकेशन है एडिशन या मल्टीप्लीकेशन या सब्सट्रैक्शन, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। मल्टीप्लीकेशन तो सिंपल है, जो भी शब्द है आपका उसमें। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं, ठीक है ना। नहीं, एक्सरसाइज के पहले हमारे पास दो तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा देखेंगे। एक है कि जीरो और वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ जीरो, हाँ हाँ ठीक है, रोल ऑफ जीरो, और दूसरा क्या है, रोल ऑफ वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक है निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव तो पढ़ ही रहे ना, और दूसरा है रेसिप्रोकल, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्या है रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ वन एंड निगेटिव और रेसिप्रोकल। अब सबका नाम है चारों का मैथमेटिक्स में, रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ वन, निगेटिव और रेसिप्रोकल। अब रोल इसको क्या कहते हैं, रोल ऑफ जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी, और इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इनवर्स तो नेगेटिव है, इसको कहेंगे आइडेंटिटी इनवर्स, ठीक है। और इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। हर बार कंफ्यूजन भी होता है, हर बार कंफ्यूजन भी होता है कि क्या चीज है क्या नहीं, ठीक है। तो रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ वन, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव यूनिवर्स और मल्टी यूनिवर्स। अब ये देख रहे हैं नाम से ही पता चलता है। अब रोल ऑफ जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी, अगर किसी भी रेशनल नंबर में, हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, उस रेशनल नंबर में अगर जीरो जोड़ते हैं, रेशनल नंबर है, ठीक है, मान लो कि ए है, ए में अगर जीरो जोड़ते हैं और जीरो में ए जोड़े तो कितना आएगा, जीरो, ए आएगा। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करें या दूसरे तरह से ऐड करें, इस साइड से या उसमें क्यों ऐड करें तो वही नंबर आता है। तो जीरो क्या है, इसे इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब किसी नंबर में वन से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वही नंबर आएगा, उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अगर किसी नंबर में उसका नेगेटिव ऐड करें तो कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये जो है इसका एडिटिव यूनिवर्स है, और माइनस से किसका है, एक एडिटिव। अगर मान लो फाइव है तो फाइव का एडिटिव यूनिवर्स क्या होगा, माइनस फाइव, और माइनस फाइव का एडिटिव यूनिवर्स क्या होगा, फाइव होगा, आ गया। अब रेसिप्रोकल, इसमें होता है वन बाई समथिंग, समथिंग का उल्टा,
मान लो कि कोई ए बाई सी है, ए बाई बी है, इसका मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स क्या होगा? बी बाय, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वन आना चाहिए। इसका रेसिप्रोकल है ए बाय बी है तो ये नीचे है बी ऊपर। हाँ। अगर टू बाय थ्री है तो इसका क्या होगा? थ्री बाय टू। वन बाय टू है तो इसका क्या होगा? टू बाय टू, राइट? समझ आ गया? तो हमारा क्या है कि जो भी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में एक तो चार प्रॉपर्टीज हैं। चार प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? लॉ ऑफ क्लोजर, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसा है कि दो ऑपरेटर चाहिए इसमें, इस समय सिंगल ऑपरेटर पे होगा। दूसरा क्या है? रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ वन, नेगेटिविटी और आपका रेसिप्रोकल। इसको आइडेंटिटी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, इसको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस पे आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस साइड से आएगा और एक क्वेश्चन उस साइड से आता है। अब हम चल सर एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सरसाइज एग्जांपल। अब एक्सरसाइज वन वन, ठीक है? वन पॉइंट वन लिख दीजिएगा ब्लैक बोर्ड पे। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। क्वेश्चन ये क्या है? माइनस टू बाई थ्री इंटू थ्री बाई फाइव प्लस फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई फाइव इंटू वन बाई सिक्स, ठीक है? माइनस टू बाई थ्री इंटू थ्री बाई फाइव प्लस फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई फाइव, हाँ एक्सरसाइज है। अब इसमें क्या है, कौन ऑपरेटर क्या क्या है इसमें हम लोग देखेंगे। ऑपरेटर क्या क्या है और प्लस एंड माइनस भी है। माइनस को रहने देते हैं, ठीक है ना? माइनस को एज इट इज हम एक नंबर यूज कर लेंगे इसको ब्रैकेट टाइप का, ठीक है? तो थ्री बाई, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव यूज नहीं कर सकते तो हाँ यही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कह रहा है अपने प्रॉपर्टीज, तो दो ऑपरेटर है तो दो ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं? दो ऑपरेटर टू ऑपरेटर के लिए क्या होता है? टू ऑपरेटर है यहाँ पे, टोटल ऑपरेटर क्या टू है, तो कौन सा यूज होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हमें कंबाइन भी करना, मूव भी करना पड़ेगा नंबर को, तो दूसरा क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव। अब कौन कौन सा मिल रहा है देखते हैं। थ्री बाई फाइव और माइनस, ये मिल रहा है, ठीक है? माइनस को हम थ्री बाई फाइव कर सकते हैं। अब इसको कॉमन ले सकते हैं, हाँ। मूव नहीं कर रहे हैं कोई भी, हाँ। ठीक है, ये दिस टर्म और दिस टर्म, ठीक है? ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म, ये बेचारा अकेला रह जाएगा, ठीक है? तो ये इधर आ जा रहा है और ये दोनों को इधर कर रहे हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं और माइनस टू बाई थ्री इंटू थ्री बाई फाइव माइनस थ्री बाई फाइव इंटू वन बाई सिक्स प्लस फाइव बाई टू, यही है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थ्री बाई फाइव कॉमन ले लेते हैं, माइनस से क्या होगा? माइनस वन बाई सिक्स हो जाएगा, ये टू बाई थ्री है, ये वन माइनस प्लस माइनस वन बाई सिक्स हो जाएगा ना, माइनस वन बाई सिक्स,
हो गया, और ये 5/2 और 3/5 ये 6 -4 और -1 ब्रैकेट में डाल दीजिए करते हैं, अब इसको करते हैं ब्रैकेट में, गुड। और 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2 ठीक है, और 3×2=6 -1/2 प्लस 5/2 और 2, -1 प्लस 5 4/2 2 कितना आसान हो गया? मुझको अच्छे से नहीं पता था, जब मैं क्वेश्चन पूछने आई थी। हाँ तो मैंने देखा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। -3/7 -1/6 × 3/2 + 1/14